ये जी जनाबे वाला, ये गांव जो है ना, ये बॉर्डर पर एलओसी पर लास्ट गांव है। और नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ के। और इससे थोड़ा काफ़ी आगे अब बॉर्डर जो एलओसी है, लेकिन ये है कि इसके आगे गांव कोई नहीं है, ये लास्ट विलेज है पाकिस्तान का। माशाल्लाह देख सकते हैं, यही एक सड़क बची है हमारे गांव की, जो बारिश के बाद अभी इस तरह जो है इसकी हालत ठीक है, कि यहाँ से गुजरना जो वो आसान है, लेकिन जो दूसरी साइड से सड़क है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी जा रहे हैं हम पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर पर एलओसी पर, और फुल आगे नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ लिमिटेशन और प्राइवेसी होती है। पीछे से रहकर आपको नज़ारा दिखाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। आज बारिश हुई है तो मौसम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, तो तकरीबन 10 से 20 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर चलते हैं आगे और मिलते हैं वहाँ। इधर से तो हम इधर से तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र है यार। ये जो मौसम है ना आज, किलर मौसम है, पूरा किलर, साफ हर चीज़ नज़र आ रही है इधर से। यहाँ पर स्टे किया हमने अपनी हैवी बाइक, देखें जी ये हमारी हैवी बाइक, और यहाँ पर स्टे किया तकरीबन 2 से 3 मिनट का। यहाँ पर रुकते हैं और फिर आगे चलते हैं। रोड पता नहीं कैसा होगा, मेरे ख्याल में बारिश हुई है ख़राब हुआ ख़राब होगा, लेकिन देखते हैं आगे आगे होता क्या है, जो होगा सो होगा, जाने दो। ये है इधर गांव के कच्चे और कभी पक्के रास्तों में से होते हुए हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल की, जाने तकरीबन 10 मिनट में। अभी 10 मिनट का सफ़र रह चुका है, और ये देख सकते हैं आप लोगों ने चावल की फसल लगा दी हुई है, तकरीबन बहुत ही पहले लगा दी है लोगों ने। यहाँ पर लोग बहुत जल्दी कर जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग एक साल में तकरीबन 2 से 3 फसलें जो है वो ले लेते हैं, यानी कि चावल की फसल काटने के फ़ौरन बाद ये लोग जो है ना कुछ सब्ज़ी वगैरह काश्त कर देते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। अभी देख सकते हैं ये किसी ने जो मिर्ची होती हैं वो लगाई हुई है, और साथ साथ वैसे कैमरा ऑन किया हुआ था लेकिन वीडियो नहीं बन रही थी, तकरीबन 5 मिनट की वीडियो मैंने बगैर कैमरे के रिकॉर्ड कर दी, क्या बात है। तो अभी फिर दोबारा से ऑन किया कैमरा, तो वही आपको बता रहा था कि गांव के कच्चे और पक्के रास्ते में से कभी कभी। चलो भाई उतर जा। की कह रहे हो चाचा जी, की कहते पे हो? नहीं मैं की कहते पे हो? और ये जी जनाबे वाला, ये गांव जो है ना, ये बॉर्डर पर एलओसी पर लास्ट गांव है। और नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ के। और इससे थोड़ा काफ़ी आगे अब बॉर्डर जो एलओसी है, लेकिन ये है कि इसके आगे गांव कोई नहीं है, ये लास्ट विलेज है पाकिस्तान का। और ये देखें ये जवान चावल की फसल लगा रहे हैं, दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। तो हम आए थे इस प्रोग्राम पर कि यहाँ से जो बारिश के बाद पहाड़ियाँ वो बहुत करीब से नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा हो कि जो जो पास आए हैं पहाड़ियाँ दूर चली गई हैं, पीछे से क्लियर नज़र आती थी, तो ये हमारे साथ धोखा हो गया। लेकिन आपको पाकिस्तान का जो लास्ट विलेज है बॉर्डर पर वो दिखा दिया है, तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और थोड़ा सा घूमते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और वो वाला सीन यार मिस हो गया हमसे, पहाड़ियाँ जो नज़र आ रही थी वो
जो जो करीब आए हैं वो दूर भागी। टाइम क्या है दीदी? और भाई भाई ये आखिरी बंद है, ये पाकिस्तान का आखिरी नहर। और काम इधर भी लोगों ने मुकम्मल कर दिया है, कुछ लोग अभी कर रहे हैं चावल की जो फसल लगाते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था, मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मिली है, मिर्च। हरी मिर्च तो आपने देखी होगी, लेकिन ये वाली मिर्चें आपने बहुत कम देखी होंगी पौधे पर लगी हुई। माशाल्लाह नेचुरल ब्यूटी, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। ये काफ़ी ज़्यादा, ये आगे देखें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं ये। और तकरीबन ये एक एकड़ ज़मीन है जहाँ पर ये सिर्फ मिर्च लगाएंगी ये। और भाई ये आपको दिखाया है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर पर लास्ट विलेज है। इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ प्राइवेसी और कुछ प्राइवेसी के मसले होते हैं, वो उस वजह से ज़्यादा हम आपको नहीं दिखा सकते और ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं बता सकते। तो अभी वापसी का प्रोग्राम है, चलते हैं भाई, अभी वापस चलते हैं यहाँ से। तो ये जी पानी वाली मोटर है और ये बनाई गई है, डेट चेक करें 15/12/5/2004, यानी कि इसको बने हुए 16 और 17 साल हो गए हैं। लेकिन देख सकते हैं अभी इसकी हालत। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो मोटर है ये पुराने ज़माने में यानी कि इस्तेमाल की जाती थी, और इसको आप डीज़ल पर भी चला सकते हैं और यहाँ पर आप इसको ट्रैक्टर की मदद से भी पानी निकाला जा सकता है। यहाँ पर जो ट्रैक्टर का व्हील है उसको फिट किया जाता है और पानी जो है निकल जाता है। और वो पीटर भी लगाया हुआ, अगर आपको आपके पास ट्रैक्टर दस्तयाब नहीं है तो पीटर की मदद से आप पानी निकाल सकते हैं। ये वाला नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ख़ास तौर पे शहरों में ऐसे नज़ारे होते हैं गांव में, और इसी वजह से हमने व्लॉगिंग आपके लिए स्टार्ट की है। अब आपका भी हक बनता है कि हमें सपोर्ट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। अभी वापस चलते हैं
वो सामने हमारा गाँव है, तकरीबन 5 मिनट में अपने गाँव पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर ब्लॉग का एंड करते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं 1 घंटे के बाद अपने गाँव, और उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो और आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में आप बताना है कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने को बहुत सारा ख्याल रखें, दीजिए मुझे इजाज़त, और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खुदा हाफिज़, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।